तो ये सूट केस आ गई, इसमें वो सामान जाएंगे जो टूटने फूटने की रहेगी, और इसमें जो भी डेली यूज के कपड़े हैं वो जाएंगे। तो मैं वही सोच रही हूँ क्या रखूँ कैसे रखूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ पहले ले के मैं क्या क्या जा रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये नेकलेस है जो इस तरीके से आता है गले में, और ये मैं अभी रियल में अभी परचेज करके लाई हूँ स्पेशल लहंगे के लिए, और इसका मुझे कलर बड़ा प्यारा लग रहा था इसलिए मैंने ये लिया। और इससे भी प्यारी मुझे लगी इसकी झुमकियाँ, इसकी झुमकियाँ मुझे बड़ी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे फ्रेंड्स। तो अभी चल रही है पैकिंग, तो पैकिंग के लिए मैंने सारा सामान ऑलमोस्ट मैंने निकाल के रख लिया है, उसके बाद मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं, नहीं तो क्या होता ना वीडियो के चक्कर में फिर कोई सामान रह गया ना तो मुझे प्रॉब्लम होगी, इसलिए ऑलमोस्ट अभी सारा सामान यहाँ पे मैंने निकाल के रख दिया है। अब इसकी पैकिंग करते हैं और आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या सामान मैं लेके जा रही हूँ। तो ये सूटकेस आ गई, इसमें वो सामान जाएंगे जो टूटने फूटने की रहेगी, और इसमें जो भी डेली यूज़ के कपड़े हैं वो जाएंगे। तो मैं वही सोच रही हूँ क्या रखूँ कैसे रखूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ पहले ले के मैं क्या क्या जा रही हूँ, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके अब मैं पैकिंग करती हूँ और आपको भी सब शेयर भी करती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैं लेके जा रही हूँ। तो सबसे पहले उठाते हैं ये सूटकेस। इस सूटकेस में वो चीज़ें जाएंगी जो थोड़ी हैवी है, ठीक है। तो इसको रखते हैं, ये लहंगा है इसमें, देखो ये एक साड़ी है और ये इसमें लहंगा है इस वाले में, तो वो तो जाएगी बड़े वाले में, बाकी सारी चीजें उसमें जाएगी। और इसमें जो जाएंगी वो नए वाले ड्रेसेस हैं, जैसे कि मैं लेके जा रही हूँ ये दो सूट, ये एक पूरा जो सलवार सूट होता है ना वो वाला सलवार सूट है, और ये एक ऑरेंज कलर का पैंट का सूट है, वो लेके जा रही हूँ। दो मैं नई सूट्स लेके जा रही हूँ और दो साड़ियाँ बस, और एक जो पहन के जाऊंगी, और बाकी डेली यूज के लिए मैंने ये तीन जोड़ी कपड़े रख लिए हैं, तो इसी को मैं मैनेज करूंगी, कोशिश करूंगी तो हाई एक्स्ट्रा ना लेके जाऊं, नहीं इसको मैं उस वाले बैग में रखूंगी, ठीक है। तो ये हो गई, और उसके बाद अब ये जो चीजें है ना, ये इसमें जितने भी मेकअप की चीजें हैं जैसे फाउंडेशन स्प्रे ये हाइलाइटर वगैरह या फिर चूड़ा स्टाइल जो भी करते हैं वो सारी चीजें इसमें है, जैसे इस टाइप की चीजें हैं। और इसमें थोड़ी सी ऐड कर देते हैं क्लेचर्स, मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये दो क्लेचर्स। तो एक ये ट्रांसपेरेंट क्लेचर है, ये एक वाटरप्रूफ लिपस्टिक है, बहुत अच्छी है और काफी लॉन्ग लास्टिंग रखती है, तो एक ये ले रही हूँ, एक नॉर्मली क्लेचर ले रही हूँ। और इसमें मेरी मम्मी की दी हुई पजेब है, तो वो पजेब भी मैं लेके जा रही हूँ। तो एक तो ये बॉक्स हो गया, बॉक्स बड़ा प्यारा है ना, मैं ये लोकल मार्केट से लेके आई थी, तो ये बॉक्स इसमें टूटी फूटी चीजें इसलिए इसमें रख रही हूँ। और उसके बाद एक ये वाला बॉक्स लेके जा रही हूँ जिसके अंदर है परी की दो हेयर क्लेचर्स, और इसमें है परी के कंगन्स, मेरे कंगन्स, इयर रिंग्स वगैरह, और ये नेकलेस। तो नेकलेस मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं थी जो मैं अभी फर्स्ट टाइम जो अभी मैं लेंगे के परचेज करके लाई हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ पे आ करके। तो ये देखिए, ये नेकलेस है जो इस तरीके से आता है गले में, और ये मैं अभी रियल में अभी परचेज करके लाई हूँ स्पेशल लहंगे के लिए, और इसका मुझे कलर बड़ा प्यारा लग रहा था इसलिए मैंने ये लिया। और इससे भी प्यारी मुझे लगी इसकी झुमकियाँ, इसकी झुमकियाँ मुझे बड़ी प्यारी लगी, पता नहीं क्यों ब्लैक ब्लैक सा आ रहा है एकदम से। तो ये इसकी झुमकियाँ हैं और ये इसकी नेकलेस है, और इसका मांगटी का भी ऐसे ही है, एक पैटर्न में मांगटी का है। तो ये वाली मैं अभी रिसेंटली लेके आई थी, और उसके बाद मैं लेके जा रही हूँ एक ये लॉन्ग वाला हार जो ना थोड़ा सा लॉन्ग है, जिसे आप जैसे सूट्स पे पहन लिया तो इस तरीके से, किसी भी सूट वगैरह पे पहन लिया तो इस तरीके से वो लेके जा रही हूँ। और इसी में इसकी इयर रिंग है, छोटी छोटी सी दो इयर रिंग्स है, और किसी भी सूट पे भी चल जाता है, साड़ी पे पहन लो तो अच्छा लगता है। तो एक ये लेके जा रही हूँ जो मुझे किसी पे भी मैं पहन सकती हूँ। और एक और नेकलेस मैं लेके जा रही हूँ, तो सभी के सेट में अलग मैंने रख रखा। एक ये लेके आई थी, मैं ये से लेके आई थी, मैं 100 रुपए ओनली 100 रुपीज जिसकी प्राइस थी, जिसमें इयर रिंग्स है और नेक का है, और ये 100 रुपीज की लेके आई थी। और ये स्पेशली मैं साड़ी के लिए लेके जा रही हूँ क्योंकि साड़ी से इसका कंट्रास्ट मैच कर रहा है। उसके बाद ये परी के लिए छोटे छोटे से कंगन्स लेके जा रही हूँ, और ये मेरे लिए बिल्कुल रॉयल वाला गोल्ड लुक देता है, तो ये वाले मैं कंगन लेके जा रही हूँ, और ये परी के लिए जो कभी माई चांस वो पहने तो उसके लिए मैं लेके जा रही हूँ। और
और एक ये मेरी बहुत फेवरेट है, एक ये रिंग है, ये मुझे 4 साल हो गए हैं, तो ये इस तरीके से आती है तो आ जाएगी, बट मुझे अच्छी लगती है चाहे साड़ी पे पहले सूट पे पहले, वैसे तो साइन चली गई बट अभी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो एक ये वाली रिंग लेके जा रही हूँ बस, इस बॉक्स में इतना भी कलेक्शन है तो इसको रख लेते हैं, और उसके बाद में लेके जा रही हूँ ये चूड़ा सेट। तो एक ये व्हाइट कलर का है जो मैंने चूड़ा मैं लेके जा रही हूँ, अभी रिसेंटली लेके आई थी 100 रुपीज की। तो इसमें ना ये 4 इस तरीके से कंगन है, मेटल की है और व्हाइट कलर की मोतियों की इस तरीके से काम किया हुआ है। तो ये वाला ना जैसे कि मान लीजिए मैं कांच की चूड़ियाँ यहाँ से लेके जा नहीं रही हूँ, तो ये ना मैं किसी के ऊपर भी पहन सकती हूँ, मतलब अगर बाई चांस वहाँ शॉपिंग वगैरह किए या दीदी के साथ कहीं आए गए तो वहाँ से मैं ले लूँगी चूड़ियाँ, और इसके बीच में मतलब चूड़ियाँ रख लो और बहुत अच्छा इनका सेट बन जाता है और अच्छा भी लगता है। मैं अभी वो साइज चीज़ें ट्राई करके रखी देख रही थी, और उसके बाद एक ये चूड़ा सेट ले रही हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं ले रही है, मेरे लहंगे के साथ भी काम आ जाएगी और साड़ी के साथ भी काम आ जाएगी, तो कुछ इस प्रकार की है तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो बस ये चूड़ा में मैंने यही 2 चीज़ें ली हैं। और ये एक कोचाला का एक फेस वॉश है, ये लेके जा रही हूँ, तो वहाँ पे जैसे फेस वॉश करने के लिए कुछ अलग चीज नहीं करूँगी, लेकिन मैं पूरा का पूरा पैक लेके जा रही हूँ। और ये इसकी एक एक्स्ट्रा पैक ले ली है मेरे लिए, बट बाई चांस किसी को जरूरत पड़ी ना तो वहाँ पे जल्दी मिलेगी नहीं है, तो एक चीज मैंने ये एक्स्ट्रा ले ली है। तो अब इसमें रखेंगे परी बच्चों के कपड़े, तो बच्चों के कपड़े में ये लेके जा रही हूँ लड़कियों की 2 कॉट पैंट सेट है, और 2 मैंने इन्हीं देख लिया, एक मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेबी हुआ है तो एक उसके लिए लेके जा रही हूँ, और एक लड्डू के लिए एक्स्ट्रा मैं रख के ले जा रही हूँ, ताकि बाई चांस वहाँ जरूरत पड़ी ना तो बीच में मैं कहीं से नहीं लेना चाह रही, मेरे पास चीजें हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि जो मेरे पास है उसी में उसी से मेरा काम बन जाए। तो ये हो गया, और उसके बाद कपड़े वैसे तो बच्चों को मैं एक्स्ट्रा लेके जा रही हूँ, और ये तो वो एक जो वो फंक्शन वगैरह में पहनेंगे, बाकी जो कपड़े मैं एक्स्ट्रा में लेके जा रही हूँ वो डेली यूज के पर्पज से। और एक ये हो गया 3 जोड़ी परी के कपड़े और 3 जोड़ी लड्डू के। एक ये वाला बैग लेके जा रही हूँ जिसमें नीचे के साइड में ये वाले कपड़े रखूंगी, और ये लहंगा है तो लहंगा दिखाती हूँ। अभी तो मेरे साड़ी कलेक्शन में मैंने उस वाले की भी मैंने साड़ी की वीडियोस बनाई थी तो आप देख लेना। और एक ये लहंगा है, लहंगा मैं आपको दिखा देती हूँ, तो ये पीच चलो निकाल के दिखा देती हूँ आपको। तो ये इसका ब्लाउज है, ब्लाउज मुझे यूज करना पड़ेगा शायद, तो ये इसका पीच कलर का ब्लाउज है, और ग्रीन कलर का इसका दुपट्टा है, और ये पीच कलर का ये लहंगा है। और ये मैंने परचेज की थी न्यू मार्केट दिल्ली से, चांदनी चौक से मैंने ये परचेज किया था, 3600 कुछ ऐसा इसका उस टाइम पे प्राइस था। ये हो गया लहंगा हमारा, उसके बबाद मैंने ये 3 सेट अपने डेली यूज के कपड़े लिए हैं, जिसके साथ एक ये दुपट्टा लिया है जो मैं इन तीनों पे यूज कर लूंगी, और उसके बाद ये डेली यूज के बच्चों के कपड़े हैं जिसमें एक्स्ट्रा निकर टी शर्ट वगैरह घर पे पहनने के लिए भैया बोल लिए हैं। उसके बाद लिया है बच्चों की बनियान स्निकर्स वगैरह जैसे बच्चों को चाहिए होता है,
उस टाइम के लिए निकर्स वगैरह मैंने ले लिया है। और उसके बाद मैंने डायपर्स ले लिए हैं, डायपर के स्टॉक्स मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है क्योंकि गांव एरिया है तो वहां पे जल्दी से मिलेगा नहीं। मैंने यहाँ पर डायपर्स के स्टॉक तो ले लिया, 10-12 पीसेस मैंने ले लिए हैं, बाकी देख लेंगे वहाँ। और एक ये परी के सैंडल्स ले लिए हैं, एक तो पहन के जाएगी और एक ये उसके जो ड्रेसेस है उसके नीचे अच्छे लगेगा, तो एक व्हाइट कलर की उसकी सैंडल ली है। और एक ये मेरे लिए ली है जो कि मेरे लहंगे पे भी काम आ जाएगा, साड़ी पे भी काम आ जाएगा। ये फ्रेंड्स हमारी जो मोटी मोटी जो पैकिंग थी ना वो कंप्लीट हो गई है, बाकी इसमें भी थोड़ी मोटी जो चीजें हैं वो डालना बाकी है, जैसे डेली यूज के लिए जो मेकअप है वो डालना बाकी है, या फिर एक दो कपड़े हैं वो चीजें हैं कि मतलब चाहिए जो रिसेंटली परसों जो पैकिंग होगी ना लास्ट में, जो थोड़ी बहुत ऊपर से चीजें होगी ना वो डालनी बाकी है, बाकी मेरी ऑलरेडी जो पैकिंग है वो आज की इस वीडियो में कम्प्लीट हो गई है। बताना फ्रेंड्स मुझे और कुछ भी ले जाना चाहिए या इतनी चीजें काफी है या कोई चीजें मैं भूल रही हूँ तो सजेस्ट करके बताना। और मेरी पैकिंग आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। बाय बाय फ्रेंड्स, और मेरे ब्लॉग्स में कंटिन्यू बने रहना क्योंकि मैं आप लोगों को विलेज एरिया दिखाने वाली हूँ, प्रॉपर बिहार के साइड का पूरा लुक, बिहार वगैरह सब कुछ शादी वगैरह कैसी होती है, सारे फंक्शन वगैरह दिखाने वाली हूँ, तो ब्लॉग्स को मेरे रोज देखा कीजिए और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट करके जरूर बता कीजिए, उससे मुझे ना हौसला मिलता है। यहाँ आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही है या बेकार लग रही है। Bye my friends.